नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जॉन डियर ने 55 एचपी के श्रेणी में सबसे पहला ट्रैक्टर 5310 लॉन्च किया। ये टेक्नोलॉजी से भरपूर, चलाने में आरामदायक और पावरफुल था। इसने रातों रात किसानों के मन में जगह बना ली और वो जगह आज भी कायम है, तभी तो इसे राजा के नाम से जाना जाता है। आज अगर देखा जाए तो जॉन डियर ने अलग अलग एचपी पॉइंट पर अपने ट्रैक्टर लॉन्च किए, लेकिन स्पेशलिटी ट्रैक्टर की बात की जाए तो सबसे पहला ट्रैक्टर 2017 में लॉन्च किया गया, जो कि 3036 EN था और इसने भी किसानों के मन में अच्छी जगह बनाई। जैसा कि हम जानते हैं, फलों के बागों में और सब्जियों की खेती में हमें कम चौड़ाई वाले ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये ट्रैक्टर काम में आते हैं। जॉन डियर के ये ट्रैक्टर EN सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं। ई मतलब प्लेटफॉर्म और N मतलब नेरो। जॉन डियर के EN सीरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दो HP पॉइंट पर ट्रैक्टर मिलते हैं, एक है 3028 EN और दूसरा है 3036 EN। तो आज जो हम वॉक अराउंड देखने वाले हैं वो है 3036 EN का, जो कि आता है वाइडर टायर के साथ। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं। थैंक यू विनोद, हमारे दर्शकों को EN सीरीज का इंट्रोडक्शन देने के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम इस स्पेशलिटी ट्रैक्टर 3036 EN का वॉक अराउंड करेंगे और अगर आप इस श्रेणी में ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो इसे क्यों कंसिडर करना चाहिए ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस ट्रैक्टर को और जानते हैं इसके बारे में। ये जॉन डियर का 3036 EN ट्रैक्टर 35 HP की पावर देता है, जो वाइन यार्ड और अन्य फलों और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है। ये ट्रैक्टर है तो छोटा लेकिन देखने में एकदम स्मार्ट है, तभी तो ये किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर सामने से देखो तो लोगों के साथ ग्रिल दिया हुआ है जो वेंटिलेशन का काम करती है। हुड के ऊपर गन साइट है जो आपको ट्रैक्टर एक लाइन में चलाने में मदद करती है। लेफ्ट और राइट साइड में जॉन डियर लिखा हुआ है और वेरिएंट की भी जानकारी दी गई है। तो चलिए अब हुड ओपन करते हैं। आप देख ही सकते हैं इसका हुड ओपन करना कितना आसान है। यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी और एयर फिल्टर की पोजीशन। इसे आगे इसीलिए दिया गया है ताकि मेंटेनेंस करना एकदम आसान हो। ये ड्राई टाइप एयर फिल्टर है जो ड्यूअल एलिमेंट के साथ आता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टायर्स के बारे में। इन बड़े टायर्स की वजह से आपको मिलता है 320 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी वजह से बरसात में बने गहरे गड्ढों में भी फ्रंट एक्सल टकराता नहीं और ट्रैक्टर आसानी से चलता है। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ओवरऑल विड्थ अलग अलग वेरिएंट में आपको आपके जरूरत के हिसाब से मिलती है, जिसकी रेंज होती है 0.995 मीटर से लेके 1.25 मीटर तक। इस वेरिएंट में आपको 1.63 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, जिसकी वजह से आप छोटी से छोटी जगह में भी आसानी से टर्न ले सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग टायर साइज ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको नजदीकी डीलरशिप पे मिलेगी। अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें जॉन डियर का 35 HP की पावर देने वाला 3-सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इनलाइन FIP के साथ मिलता है। इसका हाई बैकअप टॉर्क 17-27% तक है। जॉन डियर के सभी EN सीरीज के ट्रैक्टर 4-व्हील ड्राइव के साथ ही आते हैं, जिससे ये हर तरीके का कृषि काम करने में सक्षम है। 4-व्हील ड्राइव की वजह से स्लिपेज कम होता है, ट्रैक्शन अच्छा मिलता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये 4-व्हील ड्राइव आता है अगले बड़े और रेडियल ट्यूबलेस टायर के साथ, जिसकी वजह से सॉइल कॉम्पैक्शन कम होता है और गीली मिट्टी में भी ट्रैक्टर धसता नहीं है। इसकी वजह से आपका काम आसान हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रैक्टर की रेयर साइड को। इसमें आपको मिलती है 910 kgf की लिफ्टिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से आप अलग अलग इम्प्लीमेंट्स के साथ इसको आसानी से चला सकते हैं, जैसे कि 5-7 टाइन कल्टिवेटर, 2 बॉटम रिजर, 80-120 सेंटीमीटर तक का रोटरी टिलर और एयर ब्लास्ट स्प्रेयर। यहाँ आप देख सकते हैं PTO शाफ्ट जो 6 प्लाइन है। ये ट्रैक्टर ड्यूअल PTO के साथ आता है, मतलब स्टैंडर्ड और इकोनॉमी मोड, जिससे आप वैरायटी ऑफ इम्प्लीमेंट्स चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर के रेयर एक्सल में मेटल फेस सील आती है, जिससे वेटलैंड ऑपरेशंस में ट्रैक्टर के एक्सल, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन में पानी नहीं घुसता और मेंटेनेंस नहीं आता। इसमें SCV का ऑप्शन भी है, जो आप आपके ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल MB प्लाउ चलाते वक्त। यहाँ आपको 7-पॉइंट कनेक्टर दिया गया है, जिसकी वजह से आप ट्रॉली में लाइट लगा सकते हैं और इस लाइट की वजह से आप देर रात तक आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए
बैठते हैं इस ट्रैक्टर पर और जानते हैं इसके ऑपरेटर स्टेशन के बारे में। इस ट्रैक्टर का सीट इस तरीके से सेट किया गया है कि अगर आप बगीचे में काम कर रहे हैं तो पेड़ और पौधों के बड़े होने पर भी उसके नीचे से आराम से ये ट्रैक्टर जा सकता है। अगर फ्लोर की बात की जाए तो व्हील बेस अच्छा होने की वजह से यहाँ अच्छी खासी रूम मिल जाती है और आप आराम से बैठकर लीवर्स ऑपरेट कर सकते हैं। इसके स्टीयरिंग पे भी एकदम आरामदायक ग्रिप मिलता है और इन सब चीजों की वजह से ये ट्रैक्टर चलाने में एकदम आसान है और आपको थकावट भी महसूस नहीं होती। इस ट्रैक्टर में आपको ट्रांसमिशन के दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंक रिवर्सर और कॉलर रिवर्सर। सिंक रिवर्सर की वजह से गियर शिफ्टिंग और भी ज्यादा स्मूथ होती है। इसमें 16 गियर वाला ट्रांसमिशन है जिसमें 8 आगे और 8 पीछे के गियर ऑप्शंस है। अब बात करते हैं FNR लीवर की। इसे फॉरवर्ड एंड रिवर्स भी कहा जाता है। FNR अपने आप में एक यूनिक फीचर है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना गियर बदले आप ट्रैक्टर को आगे या पीछे ले सकते हैं। इसका मतलब ट्रैक्टर को आगे और पीछे लेते वक्त आपको बार बार गियर नहीं बदलना पड़ता, जिससे आपको थकावट कम होती है और आप घंटों आराम से काम कर सकते हैं। एक तरह से ये ऑटोमेटिक कार चलाने का एक्सपीरियंस देती है। इस वाइडर टायर वाले वेरिएंट में आपको मिलता है ORC, जिसका मतलब है ओवररनिंग क्लच। ओवररनिंग क्लच की वजह से बड़े इम्प्लीमेंट जैसे कि स्प्रेयर के साथ काम करते वक्त पावर का एक ही डायरेक्शन में प्रवाह होता है, जिसकी वजह से PTO से इंजन तक वापस पावर नहीं जाती और भारी काम करते समय भी ब्रेक लगाकर आप आसानी से ट्रैक्टर को रोक सकते हो। इसमें ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक है जो पूरी तरह तेल में डूबे होने की वजह से ब्रेक आसानी से लगता है और मेंटेनेंस भी नहीं आता। इसका फ्यूल टैंक 32 लीटर कैपेसिटी का है, जिसे आप आराम से घंटों तक काम कर सकते हैं। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें NSS यानी न्यूट्रल सेफ्टी स्विच और PTO NSS है, जिसकी वजह से अगर कोई लीवर एंगेज भी हो तो ट्रैक्टर शुरू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था 3036EN का वॉक अराउंड। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जॉन डियर का 3036EN का वॉक अराउंड, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और हमें यकीन है अगर इस श्रेणी में आप कोई ट्रैक्टर देख रहे हैं तो आप इसको जरूर कंसिडर करेंगे। इसकी अधिक जानकारी पाने के लिए आप डीलरशिप से तो जुड़ ही सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पर भी हमसे बात कर सकते हैं और अनुभूति ऐप के जरिए भी इसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले प्रोडक्ट वॉक अराउंड में, तब तक के लिए धन्यवाद।